प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभात वंदन। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 19 आयत, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर से विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार। इफिसियों की पत्री में पौलुस की दो प्रार्थनाएं लिखित की गई हैं, पहला अध्याय के 15 से 19, तीसरा अध्याय 14 से 19 में है। ये पहली प्रार्थना आत्मिक प्रकाश के लिए, दूसरी प्रार्थना आत्मशक्ति के लिए था, शरीर के भौतिक जरूरत के लिए नहीं बल्कि अंदर के आत्मिक मनुष्य के लिए थी अपेक्षा। यह लेखन लिखने के वक्त वह रोम के बंदी थे। तीसरा अध्याय पहली आयत, चौथा अध्याय पहली आयत, केसर का बंदी नहीं क्रिस्तु का बंदी है। शरीर को बंदी बना सकते हैं लेकिन कभी भी हृदय को बंदी नहीं बना सकते हैं। यह संदेश हमें यहाँ पर शक्त रीति से बताता है। फिलिपिया कारागृह को आराधनालय में बदला हुआ पौलुस, रोमियो कारागृह के वासन को लेखन की रानी कहने वाले इफिसियों की पत्री को लेखन का केंद्र बना के बदला। प्रतिकूलताएं विश्वासी को थकाते नहीं बल्कि उनको बड़ा बनाते हैं। बंदी गृह के बारे में कोई भी नाराजगी ना जताने वाले और ना ही कोई रिहाई मांगने वाले पौलुस आत्मिक रीति से परमेश्वर से उनके आंतरिक मनुष्य को शक्ति से बलवंत होने के लिए अपेक्षा करते हैं। आंतरिक प्रकाश प्राप्त किया हुआ परमेश्वर का भक्त ही इस प्रकार से प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हम लोगों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त करके आत्मिक शक्ति के साथ आज की सुबह जीने में आप हमें कृपा प्रदान करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आपका दुला में होता रहा, खोए जीवन की यादों को साथ लेकर मेरे यीशु के सन्मुख चला आया।